रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम। वेलकम बैक। सो इट इज़ 22 मार्च और अभी हम आए थे ज़रा बाज़ार रमज़ान के लिए कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने, जो कि हर साल मैं व्लॉग बनाता हूँ जब भी ग्रॉसरी करने आते हैं। इसमें मेरा काम होता कोई नहीं ग्रॉसरी करने का, लेकिन बस मैं इसलिए आ जाता हूँ कि रमज़ान के लिए ग्रॉसरी करने के लिए जाना है, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ। तो बस यही सीन है और देखते हैं क्या रोज़ा बनता है या नहीं बनता। सऊदी अरब में तो नहीं बना, लेट्स सी कि शायद इकट्ठा हो जाए कल यहाँ भी और सऊदी अरब में। Let's see what happens. Back to home और सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम आपको देंगे वेदर रिपोर्ट। तो सीन ये है कि जो आजकल वेदर है वो काफ़ी चेंज हो गया। एक दफ़ा टेम्परेचर 36 तक चला गया था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर बारिशें वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। तो आजकल जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट इज़ 26-27 और कल परसों बारिश भी बताई हुई है। तो मौसम आजकल ऐसा ही है, लेकिन लास्ट ईयर 40+ टेम्परेचर था इन दिनों में। सो यह दिस इज़ क्लाइमेट चेंज, मौसम काफ़ी डिफरेंट हो गया इस रमज़ान में। तो अभी मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी है, तो चल के छत पे चाँद देखते हैं क्या सीन। तो हमेशा की तरह अभी मैं जा रहा हूँ छत पे चांद देखने के लिए। तो लेट्स सी, एक्सपेक्टेड है कि नज़र आ जाएगा, बट सऊदी अरब में नज़र नहीं आया। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे चांद नज़र आता है इस एरिया में, बट यहाँ पे बादल है, ज़्यादा नहीं है बट बादल तो हैं, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी, मिशन चांद फेल्ड। तो अभी नीचे जाके देखते हैं टीवी पे के चाँद नज़र आते हैं। यानी वैसे पूरे मुल्क में आजकल जो है वो बादल वगैरह काफ़ी हैं। तो यार ये मच्छर बहुत है भाई मेरे। ओके तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए पूरे, और अभी तक जो है अनाउंस नहीं हुआ कि चाँद नज़र आया है कि नहीं रमज़ान का। लाहौर में भी नहीं आया नज़र, बलोचिस्तान में भी नहीं आया, इस्लामाबाद में भी नहीं आया, सब जगहों पर इजलास ख़त्म हो गए। लेकिन जो मेन इजलास है वो अभी तक चल रहा है, वो पेशावर में चल रहा है। आगे आप लोग समझ गए होंगे कि पेशावर में अगर अभी तक इजलास चल रहा है तो फिर चांद मेरा ख्याल में तो नज़र आ ही जाना है। और अभी मैं ट्वीट देख रहा था तो उसमें भी यही बता रहे हैं कि मर्दान से चांद नज़र आने की कुछ शहादतें जो हैं वो मौसूल हुई हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मेरा तो कल पेपर है, आप लोग, मेरा प्री बोर्ड है कल, तो मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार फिर देखना पड़ता है कि चांद नज़र आएगा नहीं। सो मैं तो पढ़ने लगा, बाकी देखते हैं, एक्सपेक्टेड मेरा ख्याल में नज़र आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। माहौल आलिशान है, रमजान शरीफ है, ये नेमत रहमान है, रमजान शरीफ है, रमजान शरीफ है, मेरा रमजान शरीफ है, रमजान शरीफ है, मेरा रमजान शरीफ है। पहला पहला रोज़ा मुझे याद रहेगा। ओके एवरीबॉडी, जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है रमज़ान का चाँद नज़र आ जाना है, और ऐसा ही हुआ है। रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है पाकिस्तान में। अनाउंसमेंट हुई थी तकरीबन 10-15 के अराउंड, तो उन्होंने कहा कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया पाकिस्तान में, कल पहला रोज़ा है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक एंड वी आर बैक विद अनदर रमज़ान व्लॉग एज ऑलवेज। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द ओनली रमज़ान व्लॉग दैट आई एम मेकिंग, क्योंकि उसके बाद मेरे पेपर्स हैं बोर्ड के, तो फिर नहीं आएगा व्लॉग। बट या रमज़ान मुबारक एवरीवन। तो अभी मैं पढ़ता हूँ बैठ के, कल मेरा पेपर भी है, सहरी तक पढ़ते हैं। एंड या लेट्स सी क्या करना है। बाय। इफ्तार का हो वक्त या सहरी की घड़ी हो। ओके सो एज रमज़ान इज़ स्टार्टिंग, तो एक और चीज़ जो कि अभी चल रही है यहाँ पे टीवी वगैरह पे सब लोग जाके देख रहे हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशंस जो हैं वो चल रही हैं। हर बंदा बड़े शौक से देख रहा है, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, नातें हो रही हैं, सब कुछ। लेकिन जिस बंदे ने ये सब कुछ पाकिस्तान टेलीविज़न पे स्टार्ट किया था पहली दफ़ा, दैट इज़ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिनकी डेथ हुई लास्ट ईयर। और इस पहला रमज़ान है जब उनकी ट्रांसमिशन वगैरह नहीं हो रही, और लोग काफ़ी ख़िलाफ़ थे उनके। अफसोस की बात यह है कि लोगों ने हमेशा उनकी नेगेटिव चीज़ें जो है ना उनको पॉइंट आउट किया, उन पर मीम्स बनाई हैं, किसी ने पॉजिटिव चीज़ें जो है उनको नोट ही नहीं किया। उनकी इस्लामिक स्पीचेज़ अगर आप सुन लें तो आप कहेंगे इनसे अच्छा डिबेटर कोई नहीं, उनकी नातें आप सुन लें और उनकी जो लिखी हुई नातें तो आप कहेंगे कि यार इनसे अच्छा नात खान कोई नहीं है। सो यार रिमेंबर हिम इन योर प्रेयर्स एज वेल। तो यार अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। सो कोल्ड दीज डेज, आप लोग देख सकते हैं हुडी मैंने पहनी हुई है रमज़ान के महीने में। पहले कोई भी रमज़ान इतना मतलब ठंड नहीं हुई किसी रमज़ान में, बट ये वाला रमज़ान इसमें काफ़ी ठंड है और टेम्परेचर मैक्सिमम 22-23 तक है, तो ठंड तो है। लास्ट ईयर इन दिनों में 40+ टेम्परेचर था, तो दिस इज़ क्लाइमेट चेंज। खैर बारिश अभी हो रही थी, पूरा दिन होती रही, तो अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। खैर चलते हैं। ओके सो इट वाज माय फर्स्ट पेपर बोर्ड का, तो काफ़ी बेस्ट हो गया। इंग्लिश का था पहला पेपर, रखते हैं ये लोग आसान ताकि थोड़ी तसल्ली मिले। तो पहला पेपर तो बेस्ट हो गया, इंशाल्लाह फुल आ सकते हैं। तो लेकिन अभी मैथ्स का पेपर है परसों, तो अभी मतलब कि असल पेपर अब आया, तो अभी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ रहता है, एक हो गया, साथ रहते हैं। एंड या लेट्स सी, इंशाल्लाह अच्छे हो जाएगा। एवरीबॉडी वेलकम बैक। और सीन कुछ ऐसा है कि आप लोगों को पता है पेपर्स हो रहे हैं मेरे मैट्रिक के, तो सीन कुछ ऐसा है कि आज 12 अप्रैल है और मेरे 5 पेपर जो है वो हो चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और इस्लामिक। तो अभी रह गए हैं कंप्यूटर उर्दू और पाक स्टडीज़, जो कि मतलब कंप्यूटर का कल है, उसके बाद बाकी जो रह जाएंगे वो भी मतलब बंदा अपने पास से कर सकते हैं। जो मेन मुश्किल पेपर्स थे वो हो चुके हैं, शुक्र है। और आज 21 रमज़ान है, तो पूरा रमज़ान भी इन पेपर्स में गुजर चुके हैं। खैर कोई नहीं, पेपर्स पहले अच्छे हो गए हैं, जो रह गए वो भी अच्छे हो जाएं, फिर जो 4-5 होते रह जाएंगे हम उनको एंजॉय कर लेंगे। 17 को लास्ट पेपर है, तो आप लोगों से फिर मिलते हैं 17 के बाद। ओके बाय। ओके तो आज सेकेंड लास्ट पेपर है उर्दू का, और आई होप के आसान होगा बस। तो भी चलते हैं सेकंड लास्ट पेपर देने के लिए, उसके बाद बस एक रह जाएगा मुतालिया पाकिस्तान का। सो या लेट्स गो। ओके सो फाइनली इट इज़ 17 अप्रैल, और सीन ये है कि पेपर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे हो गए पेपर्स, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि ख़त्म हो गए फाइनली। और आज 27 रमज़ान 27वीं की रात है, लैलतुल कद्र। तो अभी जो है मैं मस्जिद में था, खत्म कुरान था, तरावियाँ ख़त्म था, तो वहाँ पे नात वगैरह पड़ी। तो अभी बस यही सीन है, अभी जागते हैं सहरी तक। शफाअत जिन जिन के ज़िम्मे है।